एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटेड इन नीट यूजी कैटेगरी। नीट का एग्जाम अब बहुत नजदीक आ रहा है। अब आपने जितना नॉलेज गेन करना था आप उसको ब्रश अप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि नीट के एग्जाम में आपकी नॉलेज का पता चलेगा कि किस तरीके से आप OMR फिल करते हैं। यानी कि अगर आपको सब आता और आपने लास्ट में OMR फिलिंग में मिस्टेक कर दी, तो जितना आपने लर्न किया है, जितना आपने गेन किया, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो यू शुड नो द वे बाय विच यू कैन सेव योर टाइम इन फिलिंग OMR 1, बाय विच यू कैन फिल OMR एक्यूरेटली 2। यानी कि आपको OMR में कोई भी गलती का स्कोप छोड़ना ही नहीं है, जो आता है उसका आंसर बिल्कुल सही मार्क करना है। अब OMR फिल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आज तक पता नहीं आप अपने मॉक टेस्ट में क्या करके आ रहे हैं, बट आज मैं आपको एक फुल प्रूफ तरीका बताने वाली हूं जो बहुत सारे टॉपर्स भी यूज करते हैं। एंड मैंने जिन जिन बच्चों को सजेस्ट किया है उनका जो स्पीड है वो उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। देखो, सबसे पहला वे होता है OMR भरने का कि मैं क्वेश्चन वाइज भरूं, साथ साथ भरूं। इसके लिए मैं आपके सामने सैंपल OMR दिखाती हूं। सो दिस इज अ सैंपल OMR। बिल्कुल इस तरीके का ही OMR आता है। अगर आप देखेंगे रोल नंबर, टिकट, टेस्ट बुकलेट, कोड, बिल्कुल ऐसा OMR बेटा एनडीए देती है नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो ये OMR सबसे पहले तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आज जो मैं सिखाने वाली हूं वो आपको याद रखना है। आज जो मैं सिखाने वाली हूं उसको आपको प्रैक्टिस करना है बचे हुए 20 दिनों में, ठीक है। तो कैसे करना है, जब आपको ये OMR मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यार आपकी रोल नंबर है, टेस्ट बुकलेट है, ठीक है, और आपका कोड है, ठीक है, टेस्ट बुकलेट कोड है। तो इसको तो वन बाय वन आपको स्टार्टिंग में ही फिल कर लेना, इसको एंड तक नहीं छोड़ना। इसको एंड तक छोड़ोगे यार इसमें गलती हो गई तो ये सब वेस्ट है, सारा OMR वेस्ट है, अगर तुमने रोल नंबर ही गलत भर दिया या फिर कोड गलत भर दिया। तो इसको तो वन बाय वन बहुत ध्यान से अपने एडमिट कार्ड से देखते हुए आप फिल करेंगे। अब चलते हैं अपने रिस्पॉन्सेस के ऊपर। देखिए, आप जानते हैं आपके इस पेपर में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। अब तो प्रॉपर बाइफर्केशन के साथ पेपर आता है, पहले फिजिक्स आता है, फिर केमिस्ट्री आता है, फिर बॉटनी आता है, फिर जूलॉजी आता है। तो OMR कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ भर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 200 क्वेश्चन से शुरू किया, 200 का 1, 199 का 4, 198 का 1। देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है ये काम कर जाती है अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो और टाइम बहुत ज्यादा हो। अगर आप वन बाय वन क्वेश्चन का आंसर भरना शुरू करेंगे ना, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपका बहुत समय वेस्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि बारी बारी आपका ध्यान टूटेगा। अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे, अभी अचानक से आप बबल भरने लग गए, अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे, बबल भरने लगे। तो दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी जिसमें आप क्वेश्चन वाइज OMR भरते हैं। फिर दूसरा वे आता है कि यार OMR बिल्कुल एंड में भरते हैं, पहले ऐसा करते हैं 2.5 घंटे में पूरा पेपर कर लेंगे और फिर जो 1.25 घंटा बचेगा उसमें OMR भरेंगे। देखिए, यू डोंट नो कि आपका पेपर वहां 2.5 घंटे में हो जाएगा। वो पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है, वो आपकी उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। तो ये वाला स्ट्रैटेजी भी नहीं अपनाना चाहिए, बिल्कुल ब्लंडर है बेटा ये वाला स्ट्रैटेजी कि आप एंड में OMR भरेंगे, क्योंकि एंड में बचता है 15-20 मिनट, उस समय बहुत ज्यादा पैनिक मोड होता है। यू डोंट नो कि क्या अनफोर्सीन पेपर में हो जाए या कुछ नई सी चीज हो जाए, समथिंग कैन हैपन। तो लास्ट के लिए हम इस काम को नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? बेस्ट स्ट्रैटेजी OMR भरने की है कि आप सब्जेक्ट वाइज या सेक्शन वाइज OMR भरें। आपने अब तक ये प्लान कर लिया होगा कि यार चारों सब्जेक्ट में से मैं सबसे पहले कौन सा चूज करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे 99% बायोलॉजी चूज करते हैं, देन केमिस्ट्री आता है, देन फिजिक्स आता है। तो आप क्या करेंगे, पहले दो सब्जेक्ट्स के लिए सब्जेक्ट वाइज OMR फिल करेंगे। यानी कि आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आपने क्वेश्चन पेपर में जूलॉजी शुरू करी, ठीक है, जूलॉजी के आपने 50 के 50 क्वेश्चन में देख लिया कि मुझे क्या करना है, सेक्शन ए में क्या करना है, सेक्शन बी में क्या करना है। आई होप नाउ यू नो दैट सेक्शन बी हैज गॉट चॉइस, ठीक है। इस चॉइस में आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करके आने, 15 दिए होंगे, पहले 10 ही चेक होंगे, तो अपना ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना, 15 के 15 नहीं करके आने, सिर्फ बेस्ट 10 आपको करके आने हैं। मान लीजिए आपने जूलॉजी कर लिया, अब इस जूलॉजी में करने के बाद आप क्या करेंगे, जूलॉजी का OMR भरना चालू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जूलॉजी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 151 से चालू हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन वहां से उठाएंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन वहां से उठाएंगे और 151 बबल मरमर करते जाएंगे। आपको साथ साथ बोलना बहुत जरूरी है, 151 का डी, 152 का 1, 153 का 1, 154 का 2, यानी कि बोल बोल के भरिए ताकि आपकी मिस्टेक करने के चांसेस यहां पर कम हो जाएं। और कई बार बोल बोल के भर रहे हैं फिर भी मैकेनिकली भर रहे होते हैं, एक्टिवली हमारा दिमाग इसमें होता नहीं है, तो हम गलती क्या कर देते हैं, अचानक से कर देंगे 151 का 2, 151 का 2, फिर भी हाथ मेरा 3 पे चला जाएगा, हो जाता है बेटा ऐसा, हो जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, 151 का 2 तो एक छोटी सी डॉट लगाएंगे सेंटर में, 152 का 1 छोटी सी डॉट लगाएंगे, 153 का 1 डॉट लगी, 154 का 2 डॉट लगी। डॉट इसलिए लगाई है ताकि आप अगर गलत कर रहे हो तो वो चेक ना हो। देखिए, इतनी छोटी सी डॉट ना आपके उस स्कैनर में चेक नहीं होती, जो भी सॉफ्टवेयर है जो OMR चेक करता है उसमें चेक नहीं होती है। तो अगर आपने गलती से 151 का 2, 3 करना था, 2 कर दिया, तो यार आपको पता चल जाएगा, तभी आप फटाफट से क्या फिल कर देंगे,
3 फिल कर देंगे। सेम गोज फॉर 152-1, 152-1, हाँ 153-2, 153-2, इस तरीके से आप भरेंगे। तो पहले एक छोटा सा डॉट लगाएंगे, फिर उसे रिकन्फर्म करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर से एंड फिर आप करेक्ट आंसर को मार्क कर देंगे। ये आपको हर सेट में फॉलो करना है। जूलॉजी के सेट पहले क्वेश्चन करें, फिर जूलॉजी की ओएमआर भरें, फिर बॉटनी क्वेश्चन करें, फिर बॉटनी की ओएमआर भरें, फिर केमिस्ट्री क्वेश्चन करें, फिर केमिस्ट्री की ओएमआर भरें। हमेशा याद रखना पहले छोटी सी डॉट, फिर रिकन्फर्म द क्वेश्चन एंड देन फिल द कंप्लीट बबल। अब बबल भरने का तरीका भी क्या है, देखिए बबल भरने के लिए कोई भी बच्चा ना ऐसे गंद नहीं मारेगा। नो वन शुड डू ओवर यू नो बबलिंग, ये बाहर नहीं आना चाहिए आपका। आप सेंटर से शुरू करिए, एंटी क्लॉकवाइज जाइए, और अगर आप 95% भी गोला भर रहे हैं दिस इज फाइन, ये पिक कर लेता है। 75% नहीं, 95 या एटलीस्ट चलो 100 ही भर दो, दिस इज फाइन। बट ओवरडू मत करो, पेपर ही फट जाता है, ओएमआर ही फट जाती है यार इससे, ऐसा नहीं करना है आपने। ओके तो बॉटनी में किया, जूलॉजी में किया, केमिस्ट्री में किया, अब क्या फिजिक्स में भी पहले फिजिक्स सॉल्व कर लूं और उसके बाद उसका ओएमआर भरूं? नहीं, जब तक फिजिक्स का नंबर आएगा ना तब या तो आधा घंटा बचा होगा या फिर 45 मिनट्स बचे होंगे, तब यार पैनिक मोड बहुत एक्टिव हो जाए, और फिजिक्स वैसे ही टाइम लेती है। तो फिजिक्स के सेक्शन में आप क्या करेंगे, ओएमआर को क्वेश्चन वाइज भरेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स का किया, आपको कंफर्म हो गया आंसर, 3 का आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर क्या है, 3, चलो भर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया साथ साथ, यानी कि आप इसकी ओएमआर भरेंगे। जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे उसको छोड़ दो, बाकी के क्वेश्चन बेटा साथ साथ भरिए, क्योंकि नहीं तो यू नेवर नो फिजिक्स में कितना टाइम लग जाए, और बाद में बचे आपके पास 5 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम इनविजिलेटर जनरली नहीं देते हैं, तो उस भरोसे पर नहीं रहना है आपको, अपना पेपर 3 घंटे 20 मिनट में ही करना है। और अगर आप इस तरीके से बबलिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बबलिंग भी टाइम पे हो जाएगी, करेक्टली भी हो जाएगी, और साथ में आप कंप्लीट भी पेपर को कर लेंगे। अब इस ओएमआर में मैंने जो आपको बताया है वो ऐसा नहीं कि सीधा 7 मई को जाके प्रैक्टिस करेंगे। डाउनलोड दिस ओएमआर फ्रॉम माय टेलीग्राम, इसकी 20-30 कॉपियां निकलवा लो। यस, चाहिए फोटोस्टेट वाले के पास ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में 20-30 कॉपियां निकलवा लो और उनको प्रैक्टिस करो घर बैठ के। मॉक टेस्ट नहीं भी है ना तो भी यार प्रैक्टिस करो ऐसी बस भरने की। यस, डॉट लगाया फिर भरा, डॉट लगाया फिर भरा, डॉट लगाया फिर भरा, बस आप प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बिल्कुल करिए, मॉक टेस्ट नहीं भी दे रहे ना तो भी दिन में कम से कम 2 MR में बबल करने की तो प्रैक्टिस कर ही लो कि मैम ने क्या बताया था। और यार क्वेश्चन नंबर बहुत ध्यान से करना, ये नहीं कि कर रहे हैं बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर वहां कर रहे हैं नंबर 1, बेटा पीछे से पेपर शुरू किया तो नीचे से ही आपका 200 से क्वेश्चन आप करना शुरू करेंगे तो इस तरीके से ही आपका हो पाएगा। Yes, बाकी OMR filling is a personal choice. कुछ बच्चे इतने इस लेवल पे आ चुके हैं कि they are scoring very good, उनका पेपर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, वो question wise OMR करते हैं, उनको वैसे comfortable है। So वैसे तो it's a personal choice, but 90% of the students को ये वाली choice भी बहुत benefit करती है। तो OMR आज ही download करो and साथ में बेटा अभी से करना शुरू कर दो। बाकी आप मुझे comments में बताइए कि यार आप कौन सी strategy अगर अब तक करते आ रहे थे तो क्या करते थे। If that worked for you, please do tell me in the comment box. And आप जानते हैं biology की आपकी revision चल रही है, super fast रिवीजन चल रही है, डेली लेक्चर्स होते हैं, इन लेक्चर्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू विद अनदर वीडियो। कोई और चीज अगर आपको मुझसे चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बता के जाना, आई विल ट्राई टू मेक कंटेंट फॉर यू। एंड आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारी और चीजें भी आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।